हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। RFEF वैकेंसी लगभग आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने पूरी डिटेल्स दे रखी है और ये एक नोटिफिकेशन टाइप का एक पूरा नोटिस है। और रेल मंत्रालय की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या दिया गया है। दोस्तों, इस नोटिस में RPF में कांस्टेबल और SI दोनों के लिए वैकेंसीज आई है। तो सबसे पहले अपन कांस्टेबल की देख लेते हैं, कांस्टेबल में क्या क्या डिटेल्स चाहिए। दोस्तों, RPF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2018, इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 8,619 पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है। दोस्तों इसकी देखते हैं, इसकी जो फ़ीस रखी गई है, फ़ीस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जनरल एंड अदर्स मीन्स OBC के लिए इसकी फ़ीस 500 रुपये, ST SC एंड एक सर्विस मैन के लिए इसकी फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस से चालान कटवा के भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो फॉर्म भराने की स्टार्टिंग डेट है वो 1/6/2018 लगभग 10 बजे से इसकी जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/6/2018 है। और दोस्तों, आप इसमें ऑनलाइन तरीके से 7/2/2018 यानी 2 तारीख 7वां महीना 2018 तक ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से आप फीस जमा कर सकते हो। तो देखते हैं इसकी और डिटेल्स क्या है। दोस्तों, इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो सितंबर से अक्टूबर यानी सितंबर से अक्टूबर के महीने में वो हो सकता है। और इसके लिए एज लिमिट लगभग जो सभी में रहती है 18 से 25 ईयर रखी गई है। इसमें जो कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए इसके लिए। और इसकी वैकेंसी डिटेल्स में देख लेते हैं, कांस्टेबल के पद के लिए जो मैं बता रहा हूँ डिटेल्स, इसमें पद आपको बता चुका हूँ 8,619। इनमें से मेल के लिए 4,403 पद यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए 4,403 पद, और फीमेल यानी महिलाओं के लिए 4,216 पद। जो महिलाओं को आरक्षण है उस वजह से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें मैंने जो डेट्स वगैरह दिए वो हाईलाइट कर रखी है, मैं डेट आपको बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें। और दोस्तों, इसका जो पे स्केल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सैलरी मिलेगी वो लगभग 21,700 के समथिंग मिलेगी। इसके लिए एज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 18 से 25 ईयर रखा गया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ST ST OBC और जनरल के जो पद हैं, किसके लिए कितने पद हैं, वो सारी डिटेल्स भी इसमें दिखाई गई। दोस्तों, इसके लिए फिज़िकल रिक्वायरमेंट रखी गई है, आपकी शारीरिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। OBC इसमें मेल के लिए जो रखी गई है पहले वो बता देता हूँ। OBC के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157। और इसके लिए चेस्ट रखा गया, चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर यानी आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। जो ST SC के लिए रखा गया वो हाइट मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट मेल्स के लिए रखा गया वो 76.2 से 81.2। और जो गोरखास और जो अदर्स हैं, इनके लिए जो हाइट रखी गई है मेल के लिए 163 यानी 163 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और इनके लिए चेस्ट रखा गया वो 80 से 85 रखा गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर फीस देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, अब बात आती है इसके एग्जामिनेशन की। जो फेज़ वन होगा उसमें वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, जो स्क्रीन पर लैंग्वेज भी दी रखी, कौन कौन सी लैंग्वेज होगा, 15 लैंग्वेज है इसमें टोटल। दोस्तों, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे, और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, अर्थमेटिक 35 नंबर एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये 35 नंबर, मतलब लगभग ये 120 नंबर हो रहे हैं। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन लगभग इसमें आ सकता है। और इसका जो फेज़ टू होगा फिजिकल, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल्स के लिए जो रखा गया है वो 1600 मीटर की रनिंग है, जो आपको 5 मिनट 14 सेकंड में कवर करनी है। और इसके लिए जो लॉन्ग जंप रखी गई है वो 14 फीट एंड हाई जंप रखी गई है वो 4 फीट रखी गई। और फीमेल का जो फिजिकल होगा उसमें 800 मीटर की रनिंग रखी गई है,
वो उन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी है, जिसके बाद उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट रखी गई है और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। दोस्तों इसमें आपको जैसा कि नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है, रनिंग में एक चांस मिलेगा, बाकी जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है उसमें आपको 2 चांस मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो नीचे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए वो दे रखा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। जिसके बाद इसका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होकर आप ट्रेनिंग पे जाओगे। तो ये सब और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, पर ये नोटिस इतना बड़ा है कि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बता दी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो RPF में SI की वैकेंसी भी आई हुई, तो उसकी भी ऐसे पूरा एक नोटिस है और उसकी भी डिटेल्स है। तो आप अगर आपको SI से रिलेटिव अगर SI वाली डिटेल्स देखनी है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी SI को लेके बनाऊंगा। इसमें मैंने कॉन्स्टेबल की पूरी डिटेल, सिलेबस और फिजिकल वगैरह सब बता दिया है। इसी प्रकार SI की अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।